मॉडल क्वेश्चन पेपर वन फॉर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। सो इसमें आपका ZP का एग्जाम है, DHS का है, ESIC का है, एम्स का है। तो सभी एग्जाम्स के लिए दिस इज द मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आज हम फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद में सेकंड पेपर और हम लोगों को एक डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ। सो ऑप्शन ए क्विनोलोन्स, ऑप्शन बी एजोल्स, ऑप्शन सी सल्फोनामाइड्स एंड ऑप्शन डी टैक्सोल। सो व्हाट इज द आंसर? सी सी दैट इज सल्फोनामाइड्स। ओके, सो क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1946। 1940 यस, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? ऑप्शन ए स्टिल्बेस्टेरॉल, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी बेंजेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। करेक्ट, एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोक्वीन इज अ ऑप्शन ए 4-अमाइनोक्विनोलिन, ऑप्शन बी एक्रिडिन, ऑप्शन सी बाइगैनाइड, ऑप्शन डी पाइरिमिडिन। यस, क्लोरोक्वीन 4-अमाइनोक्विनोलिन। इट इज 4-अमाइनोक्विनोलिन। सो क्लोरोक्वीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम अंडर द क्लास ऑफ ऑप्शन ए इन्फंट, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी न्यूनेटल, ऑप्शन डी जस्ट बॉर्न। न्यूनेटल। यस, दिस दोज आर द न्यूनेटल। ओके, सो चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ आर न्यूनेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैज एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक इन ऑप्शन ए डेपिलेटरी प्रिपरेशन, ऑप्शन बी एपिलेटरी प्रिपरेशन, ऑप्शन सी फ्रैग्रेंस एंड ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फ इनहिबिटर। डेपिलेटरी प्रिपरेशन। यस, डेपिलेटरी एंड व्हाट डज इट मीन? सो व्हाट इज डेपिलेटरी प्रिपरेशन? सो डेपिलेटरी प्रिपरेशंस आर केमिकल प्रिपरेशंस यूज्ड टू रिमूव द हेयर, हेयर रिमूवल क्रीम, आप लोगों को पता है। सो रिमूवल ऑफ हेयर विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स इज नोन एज डेपिलेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ ग्लाइसिन एज टैबलेट एक्सिपिएंट इज एज ऑप्शन ए अमाइनो एसिड सप्लीमेंट, ऑप्शन बी फंगल ग्रोथ इनहिबिटर, ऑप्शन सी लुब्रिकेंट, ऑप्शन डी स्वीटनर। स्वीटनर, राइट। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या है केमिकली, व्हाट इज इट? इट इज अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड, केमिकली ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ग्लाइसिन इज अ स्वीटनर, बट ये अमाइनो एसिड स्वीटनर है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। नॉर्मली स्वीटनर्स जो होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। शुगर जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, बट दिस स्वीटनर ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड, इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट क्वांटिटीज ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल आर टू बी मिक्स्ड टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। सो ऑप्शन ए 480 ml ऑफ 95% एंड 320 ml ऑफ 45% अल्कोहल, ऑप्शन बी 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45% अल्कोहल, ऑप्शन सी 440 ml ऑफ 95% एंड 360 ml ऑफ 45% अल्कोहल एंड ऑप्शन डी 360 ml ऑफ 95% एंड 440 ml ऑफ 45% अल्कोहल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दैट इज 320 ml ऑफ 95% एंड 400 ml ऑफ 45% अल्कोहल। सो आपने कैसे कैलकुलेशन किया इसका, बाय विच मेथड? एलेक्शन। एलिगेशन मेथड, करेक्ट, एलिगेशन मेथड। तो ये जो मेथड है एलिगेशन मेथड, सो इसके अंदर में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि ये किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कैलकुलेशन का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ मच ऑफ 90% एंड 20% ऑफ अल्कोहल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 350 ml ऑफ 60% अल्कोहल। ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो एलिगेशन मेथड्स होती है, इसमें पहले जो जो क्वांटिटी दी गई है, जो डेटा गिवन है, वो हम एक साइड में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 90% एंड 20% दिया गया है, तो हमने यहाँ पे पहले 90% नोट कर लिया, देन हमने 20% नोट किया। ओके, उसके हमने हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो हमें 60% स्ट्रेंथ प्रिपेयर करना है, 60% स्ट्रेंथ प्रिपेयर करना है, तो हमने 60% को सेंटर में ले लिया। ओके, देन हम क्या करेंगे, तो 90 माइनस 60, और जो रिजल्ट आएगा उसको इसके सामने में लिख देंगे, मतलब 30, 90 माइनस 60 कितना, 30। तो जो 30 है, सो 30 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल हम लेंगे, 30 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल। उसी तरह से 20 माइनस 60 करेंगे, तो ये आ गया आपका 40। सो 40 पार्ट्स ऑफ 90% अल्कोहल हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन किया जाता है। अब यहाँ पे हम 40 प्लस 30 ऐसा 70 कर लेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे, 70 पार्ट्स हो गए। तो 40 पार्ट्स 90% अल्कोहल प्लस 30 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल हम करते हैं, तो हमें 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल मिल जाता है, 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल मिलता है। नाउ 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल में 40 पार्ट्स 90% अल्कोहल का है। ठीक है, 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल में 40 पार्ट्स ये 90% अल्कोहल का है, तो 350 ml ऑफ 60% अल्कोहल में कितना ml, कितना ml 90% अल्कोहल रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 350, यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, 70 में से 40 पार्ट्स है, तो 350 में से कितना रहेगा। ओके, तो उसके लिए 40 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 350, तो यह कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 20% अल्कोहल हमें निकालना है, सो वी नो दैट कि 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल में 30 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल है, तो 350 ml ऑफ 60% अल्कोहल में कितना ml 20% अल्कोहल रहेगा। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 350। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और इस मेथड से, दिस इज द एलिगेशन मेथड, इस मेथड से हम लोग ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया है ना आपको, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, देन इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स लुब्रिकेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन ए ब्रेक द टैबलेट, ऑप्शन बी इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ऑप्शन सी प्रिवेंट स्टिकिंग एंड ऑप्शन डी इंक्रीज द बल्क। सी, करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो टू प्रिवेंट स्टिकिंग, ओके, लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट स्टिकिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज द HLB रेंज फॉर WO इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑप्शन ए 8 to 18, ऑप्शन बी 3 to 6, ऑप्शन सी 7 to 9, ऑप्शन डी 13 to 15। 3 to 6, करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे WO इमल्सिफाइंग एजेंट है, मतलब वाटर इन ऑयल है, वाटर इन ऑयल मतलब लिपोफिलिक होगा, लिपोफिलिक के लिए लोअर रेंज होती है, जब हमने HLB डिस्कस किया था उस समय मैंने बताया है। ठीक है, सो HLB दैट इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, तो WO इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए, मतलब लिपोफिलिक एजेंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए HLB रेंज लोअर होती है, दैट इज 3 to 6। ओके, देन क्वेश्चन 11, अ नेचुरली ऑकरिंग कार्बोनेटिव इज, ऑप्शन ए एसएफ-फोर्टिडा, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी अर्जुना एंड ऑप्शन डी अगार। बताइए आंसर। एसएफ-फोर्टिडा, दैट इज फेरुला-फोर्टिडा। ओके, फेरुला-फोर्टिडा दैट इज एसएफ-फोर्टिडा एंड इट इज ओलियोगम रेजिन, एसएफ-फोर्टिडा इज ओलियोगम रेजिन एंड उसका सिनोनिम क्या है, सो इट्स सिनोनिम इज
डेविल्स डंग और हिंग, हिंग भी बोला जाएगा या डेविल्स डंग। ओके ठीक है। अर्जुना की कैटेगरी क्या है? अर्जुना इट इज कार्डियोटॉनिक, करेक्ट। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स इज, ऑप्शन ए टेक दाउ, ऑप्शन बी व्हेन नेसेसरी, ऑप्शन सी सेंड, ऑप्शन डी राइट। एक दो यस टेक दाउ, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, टेक दाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द डीपीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1997। 1995 करेक्ट ऑप्शन बी 1995 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन दी, ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी लंग्स। हार्ट हार्ट, मायोकार्डियम फाउंड इन हार्ट। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग टू, सो ऑप्शन ए शेड्यूल एल, ऑप्शन बी शेड्यूल डब्ल्यू, ऑप्शन सी शेड्यूल एक्स एंड ऑप्शन डी शेड्यूल एम। शेड्यूल एल यस शेड्यूल एल, शेड्यूल एल इज द लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, बट नाउ दिस शेड्यूल हैज बीन डिलीटेड एंड और ओमिटेड, अब इसे ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नाउ दिस शेड्यूल, शेड्यूल एल डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ओरिजिनली 1940 में जो डी एंड सी एक्ट बना था तो उसमें शेड्यूल एल एग्जिस्टेड था, बट नाउ इट हैज बीन ओमिटेड, इट हैज बीन डिलीटेड, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। मैनिटॉल इज, ऑप्शन ए लूप डायुरेटिक, ऑप्शन बी ऑस्मोटिक डायुरेटिक, ऑप्शन सी पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक एंड ऑप्शन डी कार्बनिक एनहाइड्रेस डायुरेटिक। डायरेटिक यस मैनिटॉल इज ऑस्मोटिक डायुरेटिक। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज, ऑप्शन ए इनसफ्लेशन, ऑप्शन बी स्नफ्स, ऑप्शन सी कैचेट्स, ऑप्शन डी डेंटिफ्राइसेस। डेंटिफ्राइजेस यस ऑप्शन डी डेंटिफ्राइसेस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइजेस ड्यू टू द इनकम्पेटिबिलिटी इन दी, सो ऑप्शन ए लिम्फ, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी सिनोवियल फ्लूड एंड ऑप्शन डी बाइल। ब्लड करेक्ट, इट इज ड्यू टू द मिसमैच ऑफ द ब्लड, मतलब जो ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव मदर और फिटस के बीच में, जब ये ब्लड ग्रुप अपोजिट हो जाते हैं तो फिर ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का प्रॉब्लम अराइज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पैरेंटरल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज, ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी फेनिंडायन, ऑप्शन सी वारफेरिन एंड ऑप्शन डी हिपेरिन। हिपेरिन यस हिपेरिन हिपेरिन इज पैरेंटरल एंटीकोगुलेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन, ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1952 एंड ऑप्शन डी 1953। 1954 यस 1954 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द सुपर डिसइंटीग्रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सुपर डिसइंटीग्रेंट, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी मैग्नीशियम स्टीरेट, ऑप्शन सी सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ऑप्शन डी टाल्क। स्टार्च नो नॉट स्टार्च, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट यस। हियर व्हाट हैज बीन आस्क, सुपर डिसइंटीग्रेंट पूछा है, डिसइंटीग्रेंट नहीं बोला है, स्टार्च इज डिसइंटीग्रेंट, स्टार्च जो है डिसइंटीग्रेंट है बट इट इज नॉट द सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट जो होता है वो विद इन अ मिनट, विद इन अ मिनट टैबलेट को डिसइंटीग्रेट कर देता है। ठीक है,
या सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जो है वो नॉर्मली जो फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट होती है, फास्ट डिजॉल्विंग या माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है, तो फास्ट डिजॉल्विंग या माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स के अंदर सुपर डिसइंटीग्रेंट्स यूज किए जाते हैं। तो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द अदर नेम फॉर कोल्ड क्रीम इज, ऑप्शन ए डे क्रीम, ऑप्शन बी क्लींजिंग क्रीम, ऑप्शन सी फाउंडेशन क्रीम एंड ऑप्शन डी हैंड क्रीम। क्लींजिंग क्रीम। यस, कोल्ड क्रीम इज ऑल्सो नोन एज क्लींजिंग क्रीम क्रीम। देन क्वेश्चन नंबर 23, द पर्पज ऑफ कंडीशनिंग एजेंट इन शैम्पू इज, ऑप्शन ए टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर, ऑप्शन बी टू कीप द हेयर अवे फ्रॉम मॉइस्चर, ऑप्शन सी टू कीप हेयर ऑयली टेक्सचर एंड ऑप्शन डी टू कॉज ब्रिटलनेस टू हेयर। हेयर टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर, करेक्ट। सो ऑप्शन ए दैट इज टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन 24, द पार्टिकल साइज ऑफ द एब्रेसिव्स यूज्ड इन द टूथपेस्ट शुड बी इन द रेंज ऑफ, ऑप्शन ए 1 to 6 माइक्रॉन्स, ऑप्शन बी 7 to 15 माइक्रॉन्स, ऑप्शन सी 15 to 20 माइक्रॉन्स एंड ऑप्शन डी अबाउट 25 माइक्रॉन्स। 1 to 6 माइक्रॉन्स, करेक्ट, इट इज 1 to 6 माइक्रॉन्स। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पायरोजन टेस्ट इज यूजली डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस, ऑप्शन ए रैबिट्स, ऑप्शन बी ह्यूमंस, ऑप्शन सी माइस, ऑप्शन डी रैट। रैबिट्स। यस, इट इज रैबिट। ओके, सो व्हाट आर पायरोजन्स? फियर इंड्यूसिंग एजेंट। ओके, दे आर फियर इंड्यूसिंग एजेंट्स। एंड केमिकली व्हाट आर दे? केमिकली दे आर साइली। व्हाट आर पायरोजन्स केमिकली? हम लोगों ने स्टडी किया है, बहुत डिटेल में स्टडी किया है इसको। केमिकली क्या होते हैं पायरोजन्स? सो केमिकली दे आर लिपोपॉलीसैकेराइड्स। केमिकली पायरोजन्स आर लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। ओके, देन कौन से टाइप के बैक्टीरिया पायरोजन्स बनाते हैं मोस्टली, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, विच टाइप? तो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पायरोजन बनाते हैं। तो पायरोजन जो होता है वो एक्सोटॉक्सिन है या एंडोटॉक्सिन है? एंडोटॉक्सिन। यस, पायरोजन इज एंडोटॉक्सिन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन? क्या डिफरेंस है दोनों में, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस है? तो जो लाइव बैक्टीरिया जो है, हाँ बोलिए साइली, बोलिए। एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन्स आर व्हिच रिलीज द टॉक्सिन्स ओनली व्हेन द बैक्टीरिया इज किल्ड एंड एक्सोटॉक्सिन मींस दे रिलीज द टॉक्सिन्स इमीडिएटली इनटू द एनवायरनमेंट। यस, करेक्ट वन। तो एंडोटॉक्सिन मतलब जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है तो उसके डेड बॉडी का जब लाइसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है डेड बॉडी का, तो उसमें से जो पॉइजन्स बाहर आते हैं दोज आर दी एंडोटॉक्सिन्स। एंड बैक्टीरिया जब लाइव रहता है और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या एक्सरेटा होता है, ठीक है, लाइव बैक्टीरिया का, सो दैट इज द एक्सोटॉक्सिन। ओके, देन पायरोजन टेस्ट के लिए दूसरी टेस्ट कौन सी है? अनदर टेस्ट फॉर पायरोजन, दूसरी टेस्ट कौन सी है? लाल टेस्ट। यस, लाल टेस्ट। द अदर टेस्ट फॉर पायरोजन इज लाल टेस्ट। एंड व्हाट इज लाल? It is limulus amebocyte lysate. So question number 26. So a non-drug part, take a non-drug part added to formulation to aid dilution, stability maintenance, test masking, etc. is known as. So option A, preservative. Option B, active ingredient. Option C, additive. ऑप्शन डी बाइंडिंग एजेंट। ऑप्शन सी एडिटिव, करेक्ट, ऑप्शन सी एडिटिव। नॉन ड्रग पार्ट
मतलब ड्रग फॉर्मुलेशन में, प्रोडक्ट में फॉर्मुलेशन में हम जो भी नॉन ड्रग पार्ट ऐड करते हैं दोज आर द एडिटिव्स। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रोपेन अल्कोलाइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑप्शन ए थैलोक्विन टेस्ट, ऑप्शन बी विटाली टेस्ट, ऑप्शन सी बायोरेट टेस्ट एंड ऑप्शन डी मिलन्स टेस्ट। यस करेक्ट, प्रोपेन अल्कोलाइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विटाली टेस्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 28, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज ऑप्शन ए गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडाइजेपिन, ऑप्शन ए डाइजेपाम, ऑप्शन बी नाइट्राजेपाम, ऑप्शन सी झोलपिडेम एंड ऑप्शन डी ट्रायाजोलम। यस झोलपिडेम, झोलपिडेम इज नॉट बेंजोडाइजेपिन, झोलपिडेम इज नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक सेडेटिव।